हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम मेडिसिन में। मैं एमडी हूँ, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, सुजोग और नेचुरोपैथ का। और आज मैं आपको महिलाओं के लिए एक नुस्खा लेकर के आया हूँ, जिससे नॉर्मल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल तरीके से बच्चे की पैदाइश होगी। ख़ास करके नुस्खा महानगर की उन महिलाओं के लिए जहाँ पर डॉक्टरों ने एक धंधा बना के रखा हुआ है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाली है तो आपको डरा करके उसको सीज़र करते हैं। तो उन महिलाओं के लिए है कि ऑपरेशन के बगैर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो। अब आपको इसके लिए करना ये है कि ये खोपरे का बूरा है, जब से आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो ये खोपरे का बूरा 100 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री यानी खड़ी शक्कर, ये दो चीज़ का इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम खोपरे का बूरा, 100 ग्राम खड़ी शक्कर बराबर मात्रा में लेकर के एक एक चम्मच बस आप या इसको दूध के साथ लीजिए या ऐसे ही खा लीजिए चबा करके, कोई मसला नहीं है। जैसा भी आपको खाना है ये वैसा खाइए। और इसके अलावा जो है तो ये बादाम का तेल है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जिस कंपनी का भी आपको भरोसेमंद है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर का लेबल निकाल दिया। आपको जो भी पसंद आ रहा है उस कंपनी का ले सकते हैं। अभी इसका इस्तेमाल कैसा करना है कि रात को सोते टाइम पर, ये सुबह के टाइम पर खाइए खोपरे का बुरादा और मिश्री, और ये रात को सोते टाइम पे अगर दूध पीती हैं तो बहुत अच्छी बात है। महिला अगर दूध पीती है तो ये 10 बूंद यानी कि आधा चम्मच आपको सिर्फ इस्तेमाल में लाना है, ये आधा चम्मच 10 बूंद गिन के आप ले लीजिए, ये आधा चम्मच ये काफ़ी हो गया, ये 10 बूंद मैं मान सकता हूँ कि ये 10 बूंद हो गया है। बस ये इतना तेल आपने पीना है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब पेन आपको चालू होंगे उसी के बाद आप दवाखाने में जाएंगे, डॉक्टर चाहे कुछ भी करे, लेकिन जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे जब भी आपने दवाखाने में जाना हो, खुद ब खुद होंगे, टाइम पे ही होने वाले हैं। और दूसरी ख़ास बात इस चीज़ की रहती है कि ये बहुत कोड़ियों का नुस्खा है, यानी 20 रुपये का आपको खोपरे का बूरा है 100 ग्राम अगर आ रहा है, और ये 5-10 रुपये की मिश्री है। कि सस्ते नुस्खे बतलाता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन ये बहुत कारगर नुस्खा है। और ख़ास बात इसकी ये रहेगी कि जब बच्चा पैदा होने के बाद में उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं रहेगी कि उसको भाई कांच के अंदर रखना है या कुछ करना है, जैसा कोई डॉक्टर उसके लिए बोल ही नहीं सकता। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ा आसान सा नुस्खा मैंने आपको बतलाया है, सिर्फ खोपरा, मिश्री और बादाम का तेल, सस्ता सुंदर सा नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करके देखिए, बिल्कुल आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब से आप ये वीडियो देखें उसी दिन से खाना चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने आज वीडियो देखी और 6 महीने हो चुके प्रेग्नेंट होकर के, तो आप आज से चालू कर दीजिए, पहले दिन से करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब से आपने वीडियो देखी उस दिन से चालू कर दीजिए, बिल्कुल आपको फ़र्क दिखेगा इससे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाएँ इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।